फ्रेंड्स, मैं सईद एजीडी इंपोर्टिव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तकरीबन सभी नए राउटर्स में वायरलेस रेंज एक्सटेंडर, रिपीटर और WDS ब्रिजिंग जैसे फीचर्स मिल ही जाते हैं। दोस्तों, आपको पॉपुलर टिपिलिन WR-940N राउटर में भी वायरलेस रेंज एक्सटेंडर का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टिपिलिन WR-940N राउटर की वायरलेस रेंज एक्सटेंडर सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और AGT इंफोटिव चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, टिपिलिन WR-940N राउटर का डिफॉल्ट IP एड्रेस 192.168.0.1 है। यहाँ पर मैं डिवाइस में लॉगिन कर लेता हूँ। राउटर का डिफॉल्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडमिन है। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्विक सेटअप मोड में ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, हमें डिवाइस को रेंज एक्सटेंडर मोड में कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर मैं वर्किंग मोड में रेंज एक्सटेंडर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। वायरलेस सेटिंग्स में सर्वे बटन पर क्लिक करके रूट राउटर, AP राउटर की SSID स्कैन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस रूट राउटर की रेंज एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं उसी AP राउटर रूट राउटर की SSID सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मैं AP राउटर रूट राउटर की SSID सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, SSID सिलेक्ट करने के बाद रूट राउटर की सिक्योरिटी मोड सिलेक्ट करके पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने रेंज एक्सटेंडर के लिए रूट राउटर की SSID कॉपी कर सकते हो। अगर आप अपने रेंज एक्सटेंडर को नई SSID वाईफाई नाम देना चाहते हो तो आप कस्टमाइज सिलेक्ट करके नई SSID वाईफाई नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैं रेंज एक्सटेंडर को नई SSID यानी कि वाईफाई नाम दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पासवर्ड के लिए सेटिंग्स नहीं है। आपके रेंज एक्सटेंडर का पासवर्ड वही होगा जो आपके AP राउटर रूट राउटर का करंट पासवर्ड है। वैसे आप रेंज एक्सटेंडर क्लाइंट राउटर की SSID और पासवर्ड कभी भी चेंज कर सकते हो। सेटअप कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, AP राउटर रूट राउटर का IP एड्रेस 192.168.1.1 है और DHCP पूल रेंज 192.168.1.100 से लेकर 1.254 है। तो मैं अपने रेंज एक्सटेंडर को AP राउटर रूट राउटर के DHCP पूल की रेंज से बाहर की IP एड्रेस असाइन करूंगा। ऐसा करने पर IP कॉन्फ्लिक्ट इशू नहीं रहेगा और आप अपने किसी भी वायर्ड या वायरलेस डिवाइसेस से दोनों ही राउटर और इंटरनेट को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर मैं नेटवर्क सेटिंग्स टाइप में स्टैटिक IP सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपने रेंज एक्सटेंडर को मैन्युअली 192.168.1.2 IP एड्रेस असाइन कर देता हूँ। और दोस्तों, रेंज एक्सटेंडर का DHCP सर्वर डिसेबल ही रहने देना है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, रेंज एक्सटेंडर सेटअप हो गया है। डिवाइस के रिबूट होने के बाद सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। मैं यहाँ रिबूट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, डिवाइस रिबूट हो रहा है। डिवाइस रिबूट होने के बाद डिवाइस नए IP एड्रेस 192.168.1.2 से ही ओपन होगा। यहाँ पर मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर रेंज एक्सटेंडर में लॉगिन कर लेता हूँ।
दोस्तों रेंज एक्सटेंडर का वाईफाई नेम और पासवर्ड बदलने के लिए आपको वायरलेस सेटिंग्स में एक्सटेंडेड नेटवर्क में जाना होगा। यहाँ पर आप कभी भी अपने रेंज एक्सटेंडर के लिए SSID और पासवर्ड बदल सकते हो। दोस्तों इस वीडियो ट्यूटोरियल की मदद से आप अपने किसी भी वायर्ड या वायरलेस डिवाइसेस से दोनों वायरलेस राउटर के साथ साथ आसानी से इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर देना और AGT Info2U चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।